महल के बिल्कुल सामने ग्राउंड के आते, लेकिन कुछ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से बेसमेंट बंद हो चुका है। ये बूगी डाले वगैरह तो सब खत्म हो गए नवाब साहब के अब। और क्या व्यू होगा, मतलब क्या खूबसूरती है इसकी। हम कोशिश करते हैं, अंदर जाते हैं, आप लोगों को और जरा तफसील से दिखाते हैं नूर महल। के भाई पहुंच चुके हैं इस टाइम नूर महल, और क्या व्यू होगा, मतलब खत्म है भाई इसके आगे सब खत्म। दिखाओ तो नूर महल तो दिखाओ। देखें जी नूर महल क्या खूबसूरती है इसकी, मतलब खत्म है यहाँ पे काम सारा। खैर हम कोशिश करते हैं, अंदर जाते हैं, आप लोगों को और जरा तफसील से दिखाते हैं नूर महल। कुछ बाकी जो सारी जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो भी। हाँ बाकी भागलपुर में वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप बेफिक्र रहें। तो अभी अंदर चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो अभी हम अंदर जाने लगे थे तो हमने सोचा बाहर भी कुछ चीज़ें थी, हमने कहा चलो वो आपको दिखाते हैं। ये हमारे सामने है नवाब साहब की बोगी, इसकी तारीख वैसे लिखी हुई है इधर ही बोर्ड पे सामने। हाँ तो मैं कैमरा इधर घुमा देता हूँ, अगर आप लोगों ने देखनी हो तो यहाँ पे पॉज करके एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। हाँ जी तो इस गाड़ी का भी वही सीन है जो साथ वाली गाड़ी का था। ये गाड़ी फोर्ड कंपनी ने बनाई थी 1935 में, और इस गाड़ी का भी वही सीन है कि जब नवाब साहब हज करने जाते थे तो मतलब वहाँ पे यूज़ करते थे। और ये गाड़ी कम टैंक ज़्यादा है मेरे ख्याल से, नवाब साहब को वहाँ काफ़ी मसले थे। ये बूगी डाले वगैरह तो सब खत्म हो गए नवाब साहब के अब नवाब साहब के महल जाने लगे हैं, यानी नूर महल। हाँ जी तो हम अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच गए हैं। ये दरवाजे पे इन्होंने नवाब साहब के पुतले लगाए हैं जिन्होंने कपड़े पहने हुए। हाँ वो यही करते थे ना, शाही लिबास होता है ना शेरवानी। कब बताएंगे हिस्ट्री यार, क्या कमाल पिक्चर है। अच्छा चर्च की भी फीलिंग आ रही है। नहीं हाँ जी तो ये सारा सिस्टम है नूर महल आफ्टर रेजोल्यूशन का। नहीं ये नवाब साहब तो नहीं है। हाँ ये हमारे हाँ जी नवाब साहब ही हैं। तो उन्हें शेरों को लाया जाता था, पाला जाता था, सिर्फ शेर रखे जाते थे, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता खैर ज़ू बन गया। खैर हमारे पास जो कोई कायदे आज़म की तरफ से मिला हुआ है, उन्हें कोई लामा इकबाल की तरफ से मिला हुआ है, मतलब वर्ल्ड वॉर का भी मेडल है हमारे पास। तो ये जो बर्तन, ये एक्चुअली बर्तन नहीं है, ये उनके बर्तन के टूटे हुए टुकड़े हैं, मतलब क्योंकि इस टाइम प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल था उस टाइम, मतलब हमें जो मिले हैं हमें वो संभाल लेंगे। इधर आ गए हमारे स्टैम्प्स वगैरह जैसे मेडल्स वगैरह होते हैं, और यहाँ पे हमारे स्टैम्प जैसे मतलब डिफरेंट चीज़ों के लिए स्टैम्प्स यूज़ होते थे, जैसे कि हमारे मतलब डाक के लिए अलग होता था, कोई पैगाम के लिए अलग, मतलब इनकी अलग अलग वैल्यू है। तस्वीरों भी नवाबों की लगी हुई है। इधर इन्होंने नवाब साहब का बचपन दिखाया, बचपन से जवानी पूरा ही दिखाया है कि वो उनकी सारी एजेस दिखाई हैं। ये देखें और एंड में वो ऐसे हो गए थे। फिर भी सारी हिस्ट्री बताई गई है कि जब वहाँ से मैडम विक्टोरिया ऐसे नवाब साहब की गर्लफ्रेंड थी वो, जहाँ तक मेरा लगता है, क्योंकि हर तस्वीर में बैठी हुई है वो नवाब साहब के साथ, कि कैनेडियन आर्मी कैनेडियंस वो मैडम विक्टोरिया इन सब के साथ कोलैब, वो सारी तस्वीरें इधर ही मौजूद हैं। तो ये ज्वेलरी है चोलिस्तानी वूमेंस की, मतलब और जैसे ये देखें शराह में लोग रहते हैं तो उन्होंने अपनी गर्मी का ये जुगाड़ बनाया हुआ है, और ये घड़े मटके मतलब इसमें पानी ठंडा रहता है, और ये पानी का जो तो यहाँ पे हमेशा से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कुएँ वगैरह खोद देते होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिशें तो साल में तकरीबन 12 सेंटीमीटर से बारिश होती है, और अभी भी हाल है बारिश होगा। तो घड़े वगैरह जो आपको वैसे हमने पीछे दिखाया, ये झूमर है हमारा बड़ा अच्छा कल्चर में, ये बेडशीट्स हमारी जो कि हाथों से बनाई गई है, और ये धागा बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी, ये वो दरख्त हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं इससे ज़्यादा होने का, क्योंकि रेतीली ज़मीन है हमारे पास, ग्रूम का ड्रेस है मतलब धुलाई का ड्रेस है,
और ये धोती कमीज और सर पे पटका वगैरह, ये बस वो लगती है जो कि नूर में बनाते इस्तेमाल हुई थी उसी टाइम से। नूर वहाँ से बाहर आ गए, हम आपको बेसमेंट दिखाते हैं लेकिन कुछ सिक्योरिटीज इश्यूज की वजह से बेसमेंट बंद हो चुका है। सच यही था हमारा ये दिखाने का कि हमारे पास थान में बहुत सारी चीजें हैं, खाली भावलपुर नहीं है। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी हिस्ट्री नहीं पता हूँ, जैसे मुझे भी सही तरह नहीं पता था, मैं भी आप लोगों को सही तरह गाइड नहीं कर पाया। ये देखें जी, यहाँ मेरे ख्याल से किसी को पता हो कि ये गटर है या खजाना है, तो प्लीज बताएं। वापस जाने ही लगे थे कि बिल्कुल नूर महल के बिल्कुल फ्रंट पे एक रेस्टोरेंट है, बहुत क्लास का है, तो हम अब हमारा इरादा बदल गया, हमने सोचा कि बाहर जाके खाना है तो यहीं खा लेते हैं बैठ के। हाँ जी बॉयज, तो ये कहलाता है भावलपुर का दिल, बाबा फरीद। ये फ्रीद गेट है, ये 7 गेटों में से एक गेट है और इसके अंदर आपको मिलता है फूड स्ट्रीट, बड़े मजे मजे के खाने। हाँ जी बॉयज, ये द्रावड़ी गेट है। एक्चुअली ये इसका नाम द्रावड़ी गेट इसलिए है क्योंकि जब नवाब साहब किला द्रावड़ जाते थे तो वो इस गेट से जाया करते थे। ये गेट शिकारपुरी इसलिए क्योंकि इसके सामने सारा था अपोजिट में जंगल और यहाँ पे नवाब साहब शिकार करने जाया करते थे, तो इसलिए इसको कहते थे शिकारपुरी गेट। हाँ जी, तो अब हम आ गए मुल्तानी गेट। इस गेट का नाम मुल्तानी गेट इसलिए है क्योंकि यहाँ ये जो रास्ता है ये सारा जाता है मुल्तान पर, मुल्तान यहाँ से है 100 किलोमीटर की मुसाफत पे। ये है मूरी गेट, ये भावलपुर का 7वां और आखिरी गेट है, लेकिन इसका नाम मूरी क्यों है ये आप लोग बताएंगे। इस पे अभी तक रिसर्च चल रही है लेकिन अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं चला, वो बड़े टेंशन में है। तो बस इजाज़त, तो आप लोग बताएगा कि कैसा लगा आपको ये भावलपुर शहर। वैसे मुझे तो बड़ा मज़ा आया पर्सनली, बाकी आप लोग लाइक कमेंट करके बताइएगा तो पता चल जाएगा हमें। और बाकी जो सब्सक्राइब का बटन है इसे भी दबा दीजिएगा, लाइक वगैरह और जो बेल आइकन होता है उसकी भी गुब्बे फायर कर दीजिएगा।